हार्ले को पीछे छोड़ते हुए हम स्कूटी आगे निकालते हुए और नाना का घर जयपुर। अच्छा तो तुम जयराम जयराम करते रहते हो, मतलब क्या खतरनाक बार्गेनिंग करी हम लोगों ने कल। नानू देखते नहीं है मेरे व्लॉग्स, वरना बहुत मारते भाई साहब। अरे 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 बस वाला इधर मुड़ेगा। नानू की स्कूटी चलाने का मजा कुछ और ही है भाई साहब। एक इशारे पे नाच रही है आपकी ये स्कूटी। बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है ऐसी जब आप अपने टारगेट अचीव कर लेते हो। Hi lovely people, I hope you and your family are doing well. My name is Rahil Zafar and I welcome you all to our YouTube channel Zafarnama, where it's all about travel, food and people. तो आज हम जा रहे हैं ईद की शॉपिंग करने के लिए और मैं जा रहा हूँ अपनी नानू की स्कूटी लेकर यहाँ के फेमस जौहरी बाजार में। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ। Alright, we're all set. चलो शूज पहन लेते हैं। चश्मा उठा लिया। सामिया चाबी दे देना। Alright, so आज हम स्कारलेट से नहीं जा रहे हैं, आज हम जा रहे हैं नानू की स्कूटी से। चलो थैंक यू। हाँ दिल्ली जा रहा हूँ नानू की स्कूटी से। अल्लाह हाफिज़। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में जा रहा हूँ मैं। चलिए ठीक है नानू, अल्लाह हाफिज़। कौन सा बैग? अरे वो तुम रख लो यार, वो तुम रख लो। चलो बच्चों लोग साइड हो जाओ। हाँ सही में दिल्ली, और क्या, फिर मजाक में थोड़ी जाऊंगा। मुझे स्कूटर पसंद आ गया, BMW यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो, गंदी बात। अरे चलो जाओ, दरवाजा बंद करो, अंदर जाओ। गो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ तो कर दो। हाँ और वो वाला दरवाजा भी बंद कर लेना, धूल जाएगी अंदर। ठीक है चलिए गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कारलेट को वहीं पे छोड़ दिया है, बहुत शैतान बच्चे हैं भाई साहब। चलिए हम लोग चलते हैं, आज नानू की स्कूटी लेके जा रहे हैं हम लोग। तो हमें यहाँ से सबसे पहले तो जाना है, पहला काम, और नहीं वैसे तो एक ही काम है, ज़्यादा काम तो है नहीं। ओहो क्या बात है। ये स्कूटी वैसे तो सामिया चला रही है आजकल, सामिया मेरी छोटी सी कज़न है, छोटी सी काम तो बड़ी सी कज़न हो गई। रेड लाइट रेड लाइट रेड लाइट, गर्मी बहुत हो चुकी है यार अभी से ही। मस्त लग रहे हैं। पचास सेकंड की रेड लाइट थी, 20 सेकंड की सिर्फ ग्रीन लाइट थी। नानू की स्कूटी चलाने का मजा कुछ और ही है भाई साहब। नाइस, ब्रेक्स भी अच्छे हैं। वाओ। आज मैं नानू की स्कूटी का रिव्यू करता हूँ। दिस इज हीरो मैस्ट्रो। सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं इसके, एक्सेलरेशन भी काफ़ी अच्छा है, ब्रेक्स सुपर्ब, ब्रेक्स में भी कोई दिक्कत नहीं। अरे अंकल देख रहे हो क्या कटिंग करके निकाली है मैंने। कोई और स्कूटी होती तो शायद नहीं कर पाता मैं ऐसे। हैंडलिंग भी स्मूथ है, नाइस, ऐसे एकदम से कट मार सकते हैं यूँ। वेरी एजाइल, एक इशारे पे नाच रही है आपकी ये स्कूटी। अड़दाओ अंकल, अड़दाओ अड़दाओ अड़दाओ। गर्मी बहुत हो रही है गाइज अभी से ही, वो तो अच्छा हुआ थोड़ी हवा चल रही है अभी, तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग नहीं रही है मुझे। हम लोग जो प्लान कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग निकलेंगे कुछ 3:30 के बीच में। अभी टाइम हो चुका है 1:30 बज रहा है, 1:34 हो चुका है और हम पहुँच चुके हैं जोरावर सिंह गेट। हमारा टारगेट है 2 बजे तक वापस घर पहुंचना। सीधे जाके कुर्ते लेने, कुर्ते हम लोगों ने कल पसंद कर ही लिए थे, अब बस जाके दोनों कुर्ते उठाने हैं। मम्मा बोलती हैं उधर से कि जब तुम अपने लिए ले रहे हो भाई के लिए भी ले लो। मैंने कहा ठीक है, अब सेम कलर के कुर्ते दो लेने जाएंगे, मांगते हैं कुछ डिस्काउंट। प्राइस वाइस हम कल फाइनल कर ही आए थे। ऑल राइट, हम पहुँच चुके हैं हवा महल। महिला थाना है ये, पुलिस थाना महिला थाना। This ladies and gentlemen is the famous हवा महल। अब हमें यहाँ से किधर जाना है? अरे मामू अंकल हट जाओ, हमें उधर जाना है राइट साइड में। भाई साहब जौहरी बाजार सीधा सीधा जाना है, राइट नहीं जाना हमें। चलो रुक जाओ, जाने दो। हाँ अच्छा, अरे 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 बस वाला इधर मुड़ेगा, हमें इधर जाना है। इंडिकेटर दे दिया हम लोगों ने,
जौहरी बाजार जामा मस्जिद, अच्छा वो तो रहा सामने। ओहो, लेकिन हमें यू टर्न लेके आना पड़ेगा आगे से। चलो बस से आगे निकालते, पहले तो निकल जाएगी इधर से, इधर से निकालते हैं। ओहो, इधर एक छोटा सा यू टर्न तो था लेकिन मुश्किल था वहाँ से निकालना, आगे से निकालेंगे। हाँ ये रहा, चढ़ा दो। अरे वेरी नाइस, कितने प्यार से निकली है। चलो, नानू देखते नहीं है मेरे व्लॉग्स वरना बहुत मारते हैं भाई साहब, इसलिए तो मैंने इतने टशन में निकाल दिया अभी डिवाइडर पे से, क्योंकि मुझे पता है नानू तो मेरे व्लॉग्स देखते नहीं है तो उनको पता चला ना कि मैंने उनकी स्कूटी ऐसे निकाली है, स्कूटी देना बंद कर देंगे मुझे अगली बार। डांटेंगे, स्कूटी तो नहीं बंद करेंगे, डांट देंगे लेकिन हाँ ओहो अजान हो गई, लेकिन हम घर जाके नमाज़ पढ़ेंगे। ये देखो, ये जौहरी बाज़ार की जामा मस्जिद, और हमें जाना है कौन सी शॉप पे, वो आगे वाली शॉप पे, तो हमें पार्क यहीं करनी पड़ेगी स्कूटी नानू की। एक और 38 निकाल देना। ऑलरेडी गाइस, सो ये वाला कुर्ता फाइनल किया हम लोगों ने, एंड वी आर टेकिंग दिस। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन कुर्ता, आई एम टेकिंग टू, भाई के लिए भी लेके जाना है, मॉम का ऑर्डर आ गया है। ठीक है चलिए, ऑलरेडी देयर, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, बाय बाय। आप यहां के हो या फिर दिल्ली के? मैं दिल्ली का हूं भाई, यहाँ मेरे नाना का घर है। ठीक है गाइज, ये दो कुर्ते फाइनल हो गए हैं, एक मेरे लिए और एक मेरे भाई के लिए। पेमेंट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से बस जल्दी से। भैया एक में ही डाल दीजिए, बड़ी पॉलिथीन नहीं है। ठीक है कूल, ऑलराइट आप इस शॉप पे आ सकते हैं, यहाँ पे कुछ जूतियाँ वगैरह भी टंगी हुई हैं, अगर आप बैंगल्स जूतियाँ वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पे आके ख़रीद सकते हैं। टाइम क्या हो गया अभी, 1:49, तो 2 बजे तक तो मुश्किल लग रहा है घर पहुँचना। कोई नहीं, भैया ने दूसरे बैग में रख दिया, ये पॉलिथीन दे देना मुझे साथ में एक। बस बाइक कौन सी है? मैं बस BMW G3 10R लेके नहीं आया आज, आज नाना की स्कूटी से आया हूँ, कल लेके आया था कल। अच्छा देखे थे आपने, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा वो देखा था, सही। कितना हो गया इसका टोटल? कर लो यार थोड़ा सा लेस कर लो, हो जाएगा थोड़ा, 1300। ठीक है चलो, ओके भाई थैंक यू, ये तो बहुत ही अच्छी डील मिल गई। चलो थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच, चलिए अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखिए, आपको एडवांस में ईद मुबारक। मैं तो रामपुर हूँ, दादा का घर वहाँ पे असल में, हाँ दादा का रामपुर में, नाना का यहाँ पे। तो एक बार क्या हुआ, मैं ट्रेन से जयपुर से वापस जा रहा था, तो मम्मी भी बैठी हुई थी साथ में, छोटा भाई भी था साथ में, तो अंकल ने मुझसे ऐसे ही पूछा, एक बुज़ुर्ग से अंकल थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि दादा का घर कहाँ पे है, मैंने कहा रामपुर, और नाना का घर जयपुर। अच्छा तो तुम जयराम करते रहते हो? मैंने कहा हाँ अंकल यही होता रहता है। चलो ठीक है भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह मैं यहीं से लेके जाता हूँ कुर्ता, वो येलो वाला कुर्ता मैं लेके गया था यहाँ से, एम्ब्रॉयडरी वाला चिकन का, यहीं से लेके जाते हैं सारी फैमिली जो कल मेरे साथ आए थे, वो तो यहीं से लेके आते हैं, पूरी फैमिली यहीं पे आती है जी। ठीक है भाई इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। चलो बहुत ही अच्छी डील मिल गई हम लोगों को, भाई हमारे व्लॉग्स देखते हैं तो उन्होंने बताया कि वो जब मैं जैसलमेर में गिरा था ना तब की बात कर रहे थे वो, तो चलो भाई। हाँ यार, दो रोटी का दे दूँ यार, यहाँ पे कुछ है नहीं खाने के लिए। ये लो भाई, मैं भी अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआ मांगता हूँ यार, अल्लाह ताला से दुआ मांगो आप भी। चलो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स गो, अभी सीधा घर जाना है हमें और कहीं नहीं जाएंगे, देखते कितनी देर में पहुँच जाएंगे। नानू की स्कूटी तो मस्त है यार, मज़े आ रहे मुझे नानू की स्कूटी चलाने में। चलिए स्केड्यूल से थोड़ा सा लेट चल रहे हैं हम लोग, 1:52 हो चुका है, 10-12 मिनट तो लगेंगे पहुंचने में मुझे वापस घर। अरे अंकल हट जाओ, यहाँ पे बेहतरीन इंडिकेटर के इस्तेमाल करते हुए, ओ माय गॉड, ई रिक्शा से बच के। अरे भैया जी ये नहीं रुकने वाले,
टीन के डब्बे हैं तो ये तो कभी नहीं रुकेंगे। और अंकल क्या हाल है अंकल? चलो भाई साहब देख रहे हो शॉपिंग, मतलब क्या खतरनाक बार्गेनिंग करी हम लोगों ने कल। जहाँ उन्होंने बताया था एक कुर्ते के 1100 रुपये, हम लोग 700 रुपये में एक कुर्ता लेके आ रहे हैं। 700 भी नहीं, 700 में भी कम हो गया क्योंकि 1300 रुपये लेना, तो 650 का एक कुर्ता पड़ा। वाह माशाल्लाह क्या बात है। और अच्छे कुर्ते हैं, पसंद आएंगे सबको। अब ईद पे तो टशन मारना है। ईद की शॉपिंग हो गई, अंकल क्या कर रहे हो? तो जिस हिसाब से मैं निकल रहा हूँ ना, उस हिसाब से मुझे इफ्तार रास्ते में ही करना पड़ेगा, हाईवे पे। चलिए ये भी एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, जैसे हम लोगों को दिल्ली से आते वक्त यहाँ पे। ओ माय गॉड, ये तो बड़ा ख़तरनाक जंप मारी है हम लोगों ने, सॉरी। इसको इसके अंदर अटका दिया है। अभी वो स्पीड ब्रेकर आया था ना एकदम से, उछल के नीचे गिर गया था। क्या टाइम हो गया? 156। ओहो चश्मा नहीं पहना था मैंने, चश्मा पहन लेते हैं। चलो एंड दैट्स अ हॉर्ले। हॉर्ले को पीछे छोड़ते हुए हम स्कूटी आगे निकालते हुए। कूल 158। 2 बजे तक घर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर ये रेड लाइट नहीं होती तो हम 2 मिनट में घर पहुंच चुके होते। चलो निकालो। 158 हो रहे हैं अभी भी, 2:01 पे पहुंच जाएंगे घर इंशाल्लाह। वैसे स्कूटी ज़बरदस्त है यार, माशाल्लाह वेरी नाइस। हल्का सा रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक स्कूटी। चलो क्या टाइम हो गया? 159। हम लोग पहुंच गए एग्जैक्टली 2 बजे, जैसा हमें सोच के निकले थे वहां से। हम लोग इतने टाइम में हम लोगों ने कवर कर लिया ये डिस्टेंस, नाइस। नमाज भी मिल जाएगी अब। यार स्कारलेट अपनी स्कूटी को अपन लोग अंदर ही लगा देंगे, उसे ही रहेगा। ओहो फाजिल मामू भी आ गए। शाजी भाई की कॉल आ रही है, अभी नहीं उठाएंगे, आराम से बात करेंगे शाजी भाई से। देख रहे हो गाइस एग्जैक्टली 2 बजे हम लोग घर पहुंच चुके हैं। नाइस, बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है ऐसी जब आप अपने टारगेट अचीव कर लेते हो। वो तो नानू की स्कूटी थी इसलिए मैं पहुँच गया, अगर किसी और की स्कूटी होती ना तो नहीं पहुँच पाता। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स पार्क नानूज स्कूटी हियर। पाइप पे नहीं लगानी है, नानू डांटेंगे। लेट्स गो, मामी को दिखाते हैं कुर्ते। नमाज पढ़ने जाते हैं सबसे पहले, तो नमाज ज़रूरी है, निकल जाएगी नहीं तो जमात। ये देखिए मामी, ये है कुर्ता, दिखाऊं? ये लीजिए। लाइट कहाँ से चलेगी? सेम ही है सारिम का भी, ऐसे एम्ब्रॉयडरी वाला। सही लग रहा है? कपड़ा अच्छा है, खोल के देखिए। जमात किस टाइम खड़ी होती है मम्मी? ठीक है मैं निकलता हूँ फिर। ठीक है मम्मी, अच्छा लग रहा है? चलिए ठीक है, मम्मी को पसंद आए।